मैं मदन लाल, संस्थापक रामछाट पर शिल्प न्यास भारत। हम लोगों का ये वार्षिक कार्यक्रम है शंखु चौधरी स्मृति, जो उनकी स्मृति में हम लोग 11 वर्ष से मना रहे हैं वाराणसी आर्ट फेयर के नाम से। और प्रत्येक वर्ष जो है उनके जन्मदिन पर 24 फरवरी से 26 फरवरी तक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कला प्रदर्शनियाँ और कला के उत्कृष्ट जो कलाकृतियाँ हैं उसका प्रदर्शन करते हैं, और साथ साथ संगीत का एक शाम पूरा हम समर्पित करते हैं। दूसरे दिन जो है हम लोग एक नाटक करते हैं, तीसरे दिन कला पर संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम हमारा 11 वर्ष से लगातार चला रहा है। रामछाट पर शिल्प न्यास जो है इस तरह के कई कार्यक्रम अपने कैलेंडर में है, जो जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के पूरे साल भर तक ले आयोजन करता रहता है, जिसमें मुख्य रूप से रामछाट पर कि जन्मदिन 19 जनवरी को हम लोग रेतनी आकृति की खोज करते हैं, उसके बाद शंखु चौधरी स्मृति में करते हैं, फिर फाउंडेशन डे जो है 21 मार्च से 25 मार्च तक करते हैं। इस तरह से फिर अप्रैल में बच्चों के लिए हम लोग बाल कला दिवस मनाते हैं। अब मई जून में हम लोग जो है अब यहाँ पर एक समर कैंप करते हैं आर्ट का। लगातार जो है वर्ष भर लोगों को समाज के साथ में कला को जोड़ने का मुख्य रूप से कार्य जो है वर्षों से रामछाट पर शिल्प न्यास कर रहा है। आज जो कार्यशाला हो रही है इसमें कितने कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और कहां कहां के? इसमें करीब 15 कलाकार लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि 4 विदेश के लोग हैं, स्विट्जरलैंड और ईरीलैंड्स एंड और भी अन्य देशों से, और भारत के कलाकार भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मृदुला सिन्हा जी, श्री संतोष कुमार सिंह, संजय सिंह और मुकेश, प्रदीप, रवीश जैन तथा अन्य ये राजघाट से सत्येंद्र बावनी, स्नेह लता और अन्य कलाकार लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन और भी कलाकार लोग और भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आज जो है एक छोटा सा प्रदर्शन जो है कला के संबंध में एक दिल्ली के कलाकार हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी तुरंत प्रस्तुत करने जा रहे हैं।